Good morning, dear friends. Once again, today we will start with the last point in your topic, that is called as the potentiometer. Now, potentiometer means it is a device which will be used to calculate many different aspects. Its name itself tells, potentiometer. So somewhere it is related with potential also. So how it can be used to measure the potential, that is mostly EMF of a battery, EMF of a cell. We can compare, if you are having two cells and you have to compare what is the ratio of their EMF, one cell is of say 1.5 volt and other is say of 5 volt, you are not knowing that. By using potentiometer you can compare the EMF of the two cells. Iska dusra bhi fayda hota hai, internal resistance of a cell. Humne jo padha hai, okay, internal resistance, terminal potential difference, and ये भी होता है आपका, क्या होता है, EMF भी होता है. So EMF, terminal PD and internal resistance, out of that you can measure the internal resistance by using the potentiometer. So let's start with that. So potentiometer, first of all we have to find out the principle of potentiometer. To find principle of potentiometer. Now in the principle of potentiometer we have to see that अगर आपको कोई कंडक्टर दिया है बेटा, हाँ, तो यहाँ पे दिखाता हूँ, इस साइड पे दिखाता हूँ, एक आपको कंडक्टर दिया है, that you are knowing that if A is equal to constant, अगर मैंने A को constant लिया है बेटा, then क्या होता है बेटा, then R is equal to rho into L upon A, from that rho is constant and A is constant, then R will be proportional to L, R will be proportional to L. अगर R L को proportional है, अगर R L को proportional है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, I into R across R, R means across the conductor. So suppose I have taken the conductor and यहां से यहां में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहां से यहां में अगर मैं चेक करूं तो कितना पोटेंशियल है यहां से यहां में, तो ये जो पोटेंशियल के वैल्यू है, V1 इसको लिखता हूँ, V2 यहाँ इसको लिखता हूँ, V3, तो वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3, दे विल बी समवेयर प्रोपोर्शनल टू R ना, बिकॉज़ आई एम चेंजिंग दैट, करंट इज कांस्टेंट, यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट जा रहा है, लेकिन मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, इधर उल्टा कर रहा हूँ. ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ाया था, ओम्स लॉ, वी हैव सीन दैट सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट विल रिमेन द सेम, द करंट ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स. ये तो बेसिक लॉ हुआ, उसमें से हमें क्या मिला, V is equal to IR V got. यहाँ पे भी I have taken the conductor of same cross sectional area. तो उस कंडक्टर में एक इतना कंडक्टर है, तो यहां से यहां जाने के लिए कितना आपको पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो देखेंगे, आगे यहां से यहां आने के लिए हाउ मच पोटेंशियल ड्रॉप इज देयर एंड अक्रॉस दैट लेंथ, टोटल लेंथ. Okay, I will make the parts of that. For this part, how much potential drop is there? For next part, like that, we will try to calculate the potential drop. इसको कभी-कभी potential gradient भी बोलते हैं. इसको कभी-कभी क्या बोलते हैं? Potential gradient भी बोलते हैं. Okay, so potential drop per unit length. तो जैसे-जैसे आपका लेंथ बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट लेंथ विल बी इंक्रीजिंग. बराबर है ना, कंडक्टर का लेंथ अगर आप इंक्रीज करते जाओगे, हियर आर विल बी प्रोपोर्शनल टू एल एंड वी इज डिपेंडिंग ऑन आर हियर, क्योंकि हमने करंट तो चेंज नहीं किया है, बैटरी तो कांस्टेंट रखा है, तो करंट सेम जाएगा पहले, बाद में क्या हो जाएगा, जैसे-जैसे आप देखते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, देखो आपको अगर समझा नहीं तो फिर से बता देता हूं.
देखो बेटा, ये अगर मैंने एक बैटरी लिया और यहाँ पे एक पूरा रेजिस्टेंस लिया पूरा, और इसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया, सोचो आगे 1, 2, 3, 4, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज में करंट कितना जाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा R इक्विवेलेंट, तो I कितना आएगा, जो कुछ पोटेंशियल V हुआ है टर्मिनल PD, एंड टर्मिनल PD विल बी V, ये है R इक्विवेलेंट, तो I विल बी V अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, जब तक मैं कंडक्टर चेंज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, कंडक्टर में से थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस के लिए, मतलब ये रेजिस्टेंस आपको दिखा है, एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये ऐसा कंडक्टर जोड़ने वाले, और यहाँ पे एक एक पार्ट कंडक्टर का ध्यान में लिया, ये दूसरा पार्ट लिया, तीसरा पार्ट लिया, पार्ट करने वाले नहीं है, ये तो पूरा जोड़ा रहेगा यहाँ पे, खाली हम देखेंगे उसके किस पार्ट के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इसका मिला के V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये पूरा मिला के आपका V बन जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा, और ये R इक्विवेलेंट मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, दैट विल बी योर R इक्विवेलेंट, एंड इन दिस वे वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो अभी आगे जाते हैं, वो देखने के लिए हमने क्या किया है, आई हैव टेकन वन बैटरी, अभी उस बैटरी को मैंने जोड़ा है, कहां पे जोड़ा है दिखाता हूं आपको, आई हैव कनेक्टेड द बैटरी विद अ वेरिएबल रेजिस्टर, वेरी कर सकता हूँ रेजिस्टेंस जितना मेरे को चाहिए, व्हाटएवर द रेजिस्टेंस आई वांट आई कैन वेरी दैट, आई हैव कनेक्टेड दैट विद द गैल्वेनोमीटर एंड विद अनदर बैटरी, इसको बोलता हूँ सोर्स ई, K1, मैं आपको K1 बोलता हूँ, इसको K2 बोलता हूँ, पर ये जॉकी है, और यहाँ पे बोलता हूँ A, यहाँ पे बोलता हूँ B, और यहाँ पे बोलता हूँ C, तो क्या होता है, अभी पहले तो आपको दिखाता हूँ, पहले ऊपर वाले सर्किट के लिए एक आप सिंपल सर्किट बना सकते हैं, कैसे दिखाता हूँ, ये बन गया आपका R, करंट हो जाएगा I, तो ये E है और ये होगा आपका V। नाउ आपको मालूम है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये तो हमने पढ़ा है, V कितना आएगा बेटा, V आएगा E माइनस I इंटू R, तो ये R किसका, ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब आपको मिलेगा, ये तो पूरा इसका होगा, ये बैटरी का, तो अपन को क्या देखना है अभी, आई एम नॉट जस्ट राइट नाउ आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस, बट यू मस्ट नो दैट, नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पे देखो अभी, विदाउट कंसिडरिंग R, अगर R को मैंने कंसिडर नहीं किया तो क्या बन जाता है देखते हैं, विदाउट कंसिडरिंग R अगर मैंने देखा तो मेरा I बन जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, अभी R इक्विवेलेंट पूरा कितना है R है और V कितना है R, ये हो गया आपका ओम्स लॉ, आर गेटिंग माय पॉइंट, तो यहां पे मैंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फिक्स्ड रेजिस्टर आई हैव यूज्ड वेरिएबल रेजिस्टर, सो दिस इज माय वेरिएबल रजिस्टर, इसको मैंने क्या क्या बताया, इसको मैंने वेरिएबल रजिस्टर बताया, तो इसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, तो ऐसा सेटअप बना के
अगर मैंने देखा देन आपका ये जो रेजिस्टर है इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल. वेरिएबल रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय करंट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल. तो ये जो आपका रेजिस्टर है इसके जगह हम क्या करेंगे, एक लेंथ ले लेंगे, कंडक्टर ले लेंगे. इसको बोलता हूं ए, यहां पे बोलता हूं पॉइंट बी, यहां पे बोलता हूं सी, और यहां पे मेरा जॉकी कर. K1 K2 दिखाने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं कनेक्ट करता हूं. अब यहां पे आई विल सी दैट आई वन आई डैश बताऊ इसको तो ई डैश. नाउ यहां पे क्या होगा बेटा, आर विल बी proportional to L, length of the conductor. और R कैसे लिख सकते हैं हम, R will be equal to rho into L upon A. And अगर if A is unit, then R can be given as rho into L. It can be varied. मतलब क्या, ठीक से देखो बेटा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, खाली आपको उसका ठीक से उसका देखना पड़ेगा क्या आता है. सपोज इसका लेंथ L1 है, ये लेंथ है L2, ये है अपना L3, देखते जाओ ये पूरा है L. तो इस पार्ट के लिए अगर मैंने लिया, इफ आई कंसीडर दिस पार्ट ओनली, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, R1 will be rho into L1. A को मैंने कांस्टेंट रखा है, A is unit रखा है, छोटे 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लिए. तो यहां पे हाउ मच R2 will come, R2 will be rho into L2 and so on. So as you go on shifting this, तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस आपको दिखाया है ये एक्चुअली प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस नहीं होता है, वेरिएबल. वो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, एक वायर होता है, और उसके अक्रॉस द लेंथ आपका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है और उसका पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मेजर करते हैं, दैट इज एक्चुअली गिवन इन द पोटेंशियोमीटर. सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वेरिएबल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. So, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा. मैक्सिमम कहाँ होगा, पूरा लेंथ के लिए होगा, मिनिमम मतलब जीरो होगा, जीरो मतलब वो आपका जो मिनिमम ऑफ द लेंथ वो होगा. तो ये बताने के लिए ये बनाया है प्रिंसिपल. अब इसमें से कैलकुलेट कैसे करेंगे, सॉरी हेलो. सो हाउ वी विल कैलकुलेट, व्हाइल कैलकुलेटिंग यू डोंट वरी अबाउट दिस. तो पहले क्या करते हैं दिखाता हूं, ये आपको समझ में आया सब, इफ यू वांट यू मे नोट डाउन, पॉज द लेक्चर एंड इसको नोट डाउन करके ले लो. ये आपको समझने के लिए किसी भी बुक में पूरा इसको ऐसा नहीं दे देंगे, एक शॉर्ट शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन एज एम टेकिंग द लेक्चर आई मस्ट एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दिस. तो इसको बना के ले लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो और बाद में आगे जाए. ओके फिर से हम अपना जो फॉर्मूला है, पहले सर्किट के लिए फॉर्मूला,
पहले वाला जो सर्किट हमने बनाया था, कौन सा बनाया था? I hope you understood this. ये बोलते हैं इसको करंट I. तो आपका पहला फॉर्मूला क्या, V is equal to E minus I into R. ओके, तो मैं R कैसे लिख सकता हूं बेटा? सबको आप I से डिवाइड करो. ओके, और आपका क्या आएगा, E is equal to I upon R plus R. I upon R plus R. ये दो फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूं V is equal to E minus I into R. ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सोर्स ड्यू टू आर. ये क्या हुआ, ईएमएफ ऑफ सोर्स, और ये क्या बन गया आपका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये बन गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सोर्स ड्यू टू आर, ये बन गया आपका ईएमएफ ऑफ सोर्स, ये बन गया आपका टर्मिनल पीडी. आई होप यू अंडरस्टूड दैट, गेटिंग माय पॉइंट. अभी क्या करने का है, देखो अभी आपको एक चीज करना है, आपको निकलना है फॉर्मूला फॉर आर. तो वो कैसे आएगा, तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों साइड को आई से डिवाइड करते हैं. नहीं तो पहले क्या कर लेते हैं, द बेस्ट वे इज दैट यहां से आई आर को सेपरेट कर लेते हैं, आई आर को इधर लगते हैं, ये आएगा ई माइनस वी. ओके, तो आर कितना बन जाएगा, आई को डिवाइड किया ई अपॉन आई माइनस वी अपॉन आई. समझ गए, इधर क्या आएगा आपका ई अपॉन आई. I का वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, I को आप लिख सकते हो R plus R. Are you getting my point? R plus R मतलब E upon R plus R. तो यहाँ से somewhere we can calculate, यहाँ पे भी E upon R plus R लिख सकते हो. तो I am not at all interested in those all formulation. आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, दिखाता हूँ आपको दो मिनट. तो ये बन गया आपका V, टर्मिनल पोटेंशियल, ये बन गया आपका EMF. I want to first calculate internal resistance. तो R निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल है, क्या करेंगे, इसको ले लेंगे. There are many ways, ऐसा कुछ नहीं है, there are many ways with which it can be done. सबको अगर मैंने V से डिवाइड किया तो V अपॉन V विल बी E अपॉन V माइनस I R अपॉन V. तो V अपॉन V बन गया 1 माइनस E अपॉन V, वैसे ही करते हैं, माइनस I अपॉन V. V इज इक्वल टू I इनटू R, सो I अपॉन V विल बी 1 बाय R, सो R अपॉन R. ये बन गया इधर, सो R अपॉन R विल बी इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1. तो मेरा R कितना बन जाएगा, R will be E upon V minus 1 into R. ये समझ गया, इसमें से E क्या है, EMF of a cell, V क्या है, terminal potential offered by the cell. आपको मालूम है EMF और terminal potential कभी भी while cell discharging है तो कभी भी same नहीं रहता. तो ये मुझे मिल गया formula for internal रेजिस्टेंस. ओके, अभी अपन को क्या करना है, ये तो बाद में करना है अपन को, पहले चीज आपको क्या करना है, ये सेटअप कैसे यूज करते हैं. तो यूज करने के लिए आपने आपने देखा है अगर, तो जस्ट यू नोट डाउन दैट हाउ इट कम्स, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड इसको नोट डाउन, एक बाजू के कागज पे, कोरे कागज पे नोट डाउन करके रखो. नोटबुक में नहीं किया तो चलेगा, बाद में पूरा नोट बना के नोटबुक में चिपकाओ, मतलब आप लिखो.
ठीक है, तो आई विल गो फॉर दैट। तो पहले क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल सेटअप कैसे। प्रैक्टिकल सेटअप में आपके क्या होते हैं, एक वायर होती है, पूरा वायर, कितना होता है, एल लेते हैं 400 सेंटीमीटर, फोर वायर्स क्या, फोर पार्ट्स, कितना लेते हैं, फोर पार्ट्स ईच ऑफ 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, और ये कितना होगा आपका, 4 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे वायर लेते हैं, इसको मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, मतलब ये जो आपका ए सी है पूरा, ये किससे रिप्लेस करते हैं, और बी से रिप्लेस करते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट, ए को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं, और नाउ यहां पे क्या करते हैं, इस टर्मिनल को आपका सोर्स से जोड़ दे, आर गेटिंग माय पॉइंट, इसको यहां पे जोड़ दे, सॉरी इसको गेटिंग में पॉइंट, यहां पे इसका ईएमएफ एडजस्ट करने के लिए एक अलग सा रियोस्टेट लेते हैं, इस रियोस्टेट का, इट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस का अपनी सेटअप से कुछ लेना देना नहीं है। लेट मी रिपीट, यहां पे जो रियोस्टेट जोड़ा है दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस। ये क्यों जोड़ा है, इसका वोल्टेज डिवाइड करके अपन को कितना चाहिए सोर्स में से, उतना ही वोल्टेज हम लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो यहां से हम लेते हैं और इसको जोड़ते हैं बी से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू ए, यहाँ पे ये, इसको मैं ए बोला, एंड नेगेटिव करंट टर्मिनल थ्रू द की दूसरी वायर को जोड़ा है। अभी जहां पे ये जोड़ा है वहां से क्या करेंगे, दिखाता हूं आपको। ओके, वहां से क्या करेंगे, हम लेते हैं एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर विथ सम रेजिस्टेंस, अगेन उसको रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं और यहां पे जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी आपको मालूम है, ये हुआ प्रैक्टिकल सेटअप, समझ गए, प्रैक्टिकली ऐसे दिखेगा। और ये जो आर है और ये है RH, ये आपका प्रैक्टिकल सेटअप के लिए यूज होता है, इसका यूज यहां पे आपको दिखेगा नहीं। तो क्या होता है, यहां पे अगर आपने देखा तो ये जो एरो है, मतलब एक स्ट्रिप लिया मैंने इसको ऐसा 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 करके इधर से यहां पे, तो यहां पे दिस विल बी योर लेंथ L, दिस विल बी योर लेंथ L, क्योंकि ये कंडक्टर होगा, ये वायर है ना, तो यहां दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूं, इसका लेंथ कितना होगा L, रेजिस्टर का लेंथ नहीं है, सिंबल खाली दिखा है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद वायर, बट रियली वी आर डीलिंग विद रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ना, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप वी विल कैलकुलेट। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन को लास्टली क्या मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज कॉन्स्टेंट, एंड एज द लेंथ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम लिया है, फिर से बता रहा हूँ आपको, तो ये जो है, ये मैंने वायर का लिंक एल पकड़ लिया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जॉकी को यहां से टच करते करते हम चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है। तो पहले क्या होता है, पहले गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, अगर मैंने यहां पे टच किया दोनों साइड को डिफ्लेक्शन दिखाता है। यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर डजंट शो द डिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है, खाली यू हैव टू फाइंड द पॉइंट एट विच, और इसका मैं आपको अलग सा डायग्राम जब प्रैक्टिकल ले लूंगा
का प्रैक्टिकल मैं आपको दे दूंगा. दैट इज नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट, एकदम इजी है. तो यहाँ पे ये सर्किट से देख लो आप. वी हैव टू फाइंड द पॉइंट एट विच गैलोमीटर डजंट शो डिफ्लेक्शन. अभी ये मैंने फिगर में दिखाया है कि बी ये पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या 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 हो रहा है, गैलोमीटर डजंट शो द डिफ्लेक्शन. मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको टच करते 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सेम, दोनों भी सेम. प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसा टच करते करते मैं यहाँ पे आया और आई गॉट द डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोमीटर टू बी जीरो. गैलोमीटर से जीरो यहाँ आ रहता है और यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 30 होता है. तो अभी क्या हुआ, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया. अगर ये दिखता नहीं इधर दिखाता हूँ, ये जीरो, ये 30 और ये 30. तो व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट द पॉइंट ऑन द वायर. वायर पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर दो, कहा वेयर गैलोमीटर डजंट शो डिफ्लेक्शन. इंपॉर्टेंट, आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द पॉइंट ऑन द वायर. यू हैव टू सिलेक्ट द पॉइंट ऑन द वायर वेयर गैलोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन. हो गया आपका, ये तो सिंपल पड़ गया आपको. ओके, नाउ व्हाट टू डू नाउ. अभी अगर देखो, अगर गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, यहां से कितना करंट है, I है. यहां पे कितना करंट दिखाया था मैंने, I डैश. तो I क्या हुआ, I विल बी द करंट थ्रू सोर्स. और I डैश का मतलब क्या होगा, करंट थ्रू एक्सपेरिमेंट सेल, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका करंट. तो अगर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब यहां से यहां तक कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बराबर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. मतलब सेल तो हमने सर्किट में यूज किया है, वी हैव यूज द सेल इन द सर्किट, बट गैलोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है. इसका मतलब क्या है, आई डैश इज इक्वल टू जीरो. आई डैश इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से कौन सा करंट जा रहा है, अभी भी सर्किट में अपना करंट है, अभी भी सर्किट में अपना करंट है. तो यहां से कौन सा करंट जाएगा, यहां से वॉट एवर द करंट विच विल कम थ्रू द सोर्स दैट विल पास थ्रू द सर्किट. सो आई विल टेक that current to be I, which will be non-zero. So my I will be non-zero. I will not be equal to zero. I will not be equal to zero. Then you will ask me, sir, why to do this all stuff? अपन को क्या क्यों करना है ये? क्योंकि we have to first find out the comparison of EMF of two batteries. तो हम अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकली व्हाट वी डू इन दिस. अगर ये आपको चाहिए तो थोड़ा रिवाइंड करके उसका स्नैप ले लो. तो वेयर द पोटेंशियोमीटर इज यूज दैट आई विल शो यू नाउ टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स. देखो यहां पे इफ आई विल टेक आई डैश इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर. ओके, सो यहां पे आपका आर कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू रो इंटू एल वन, रो इंटू एल वन. नाउ
इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इसको मैं ई डैश बोलता हूं, इसको ई डैश बोलता हूं, ये सोर्स का, ये बन गया ई। तो समवेयर EMF, whatever this you are having, the potential you are getting, and the length you are selecting. See, EMF of a cell joined here. Secondly, whatever length you are taking, and how much is the potential drop across this? Are you getting my point? Okay. अभी देखो, अगर ये सेल के लिए लिया, ये सेल के लिए दिखा था आपको, करके दिखा था, इसका सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये जुड़ा है R के लिए। सेपरेटली अगर मैंने फाइन किया तो मैं इसका क्या लिखूंगा, आई डैश लिखूंगा, ये प्लस ये माइनस, इसको ई बोलूंगा। तो यहां पे हम आई डैश कैसे निकलते हैं, ई कैसे निकलते हैं, ई इज इक्वल टू आई डैश इंटू आर प्लस आर। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आई डैश को जीरो बोलता हूं तो सर, तो आप बोलोगे सर ई जीरो है, ई जीरो कैसे आएगा, ई जीरो कैसे आएगा, ई जीरो आ ही नहीं सकता। लेकिन प्रैक्टिकली यहां पे क्या हुआ है, प्रैक्टिकली यहां पे मैंने, हाँ हालांकि आई डैश मैंने निकाला है जीरो, लेकिन ये अगर मेरा ऑलरेडी सोर्स से जुड़ा हुआ है यहां पे, और इधर से आई आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा बेटा, यहां से करंट कितना जाएगा, यहां से करंट जाएगा आई प्लस आई डैश, बराबर। तो यहां पे हम किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। किरचॉफ्स रूल कैसे यूज करते हैं, आराम से देखो आपको समझ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, आई विल नॉट से दैट इट इज इजी, इट जस्ट समवॉट डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, अभी क्या करो, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, सी और डी। सो लूप को कंसिडर करो, लूप ए बी सी डी ए, ये खाली आपको इधर दिख, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए देखना है, बाद में आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ता। एक फॉर्मूला यूज करता है, फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, लास्ट दो मिनट में फॉर्मूला बताया आपको, पोटेंशियोमीटर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ना, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड दैट। तो अगर आपने लूप ए बी सी डी लिया तो मैं क्या करूंगा, ए से बी तक जा रहा हूं। अभी लूप का डायरेक्शन कैसा, ऐसा, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ऊपर। माई करंट इज फ्लोइंग हियर, तो माई करंट इज I plus I dash into R. This is the potential difference. और current is in the same direction, so I will write minus. आगे आया मैं, अभी यहाँ, यहाँ में current okay, यहाँ में ये ऊपर I निकल जाएगा, इधर कितना आएगा, फिर से I dash आएगा, जैसे ही यहाँ से जाता है वैसे ही I dash इधर रहेगा। तो अभी ये फिर भी same direction में minus I dash into R. माइनस टू प्लस प्लस ई प्लस ई। ओके, और मैंने चालू कहां से किया, ए से, बराबर विल बी इक्वल टू जीरो। फिर से दिखाता हूं आपको, ये डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूं एक बार, फिर से देखो, ये स्पैन ध्यान में ले लो, इतना ये पूरा, यहां से मैंने क्या किया, यहां से एक करंट आया, बैटरी ने दिया हुआ, पूरा अपना बैटरी ने, मेन सोर्स ने दिया। यहां पे आपका आर हुआ, यहां पे मेरा बैटरी है सेल, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये आगे चला, आते से मैं आई आया, जाते से मैं भी आई गया। इधर क्या हुआ, इधर बैटरी ने अपना आई डैश इसको दे दिया, तो यहां पे क्या कितना हुआ, यहां पे हो गया I प्लस आई डैश। इसको मैं बोला A, इसको बोला B,
सी और डी। तो लूप डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो लूप डायरेक्शन के मुताबिक मैंने ये लिख दिया। तो मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू I प्लस I डैश इंटू आर प्लस I डैश इंटू स्मॉल r। हो गया बेटा। अभी हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है I डैश इज जीरो, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने क्या किया है, I have adjusted this point such that no current will flow through the galvanometer। मतलब बैटरी से जो करंट आने वाला है I डैश, उसको हम यूज नहीं कर रहे। तो इफ, अभी देखो, तो इफ, ठीक से देखो बेटा, इफ I डैश विल बी जीरो, देन माय इक्वेशन कैसे बनेगा, E विल बी I प्लस जीरो इंटू आर प्लस जीरो इंटू आर। तो मेरा डायरेक्टली E क्या बन जाएगा, I इंटू आर बन जाएगा ना बेटा, I इंटू आर बन जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो समवेयर दिस विल बी केप्ट कॉन्स्टेंट, सो कैन आई से दैट दिस EMF विल बी प्रोपोर्शनल टू R, और ये R क्या है, R विल बी रो इंटू L। R क्या होगा, रो इंटू L। सो समवेयर कैन आई राइट E इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, E इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, E1 by E2, मतलब पहले मैंने E1 जोड़ा, तो मेरा क्या बन जाएगा, L1 by L2। This is first to calculate the compare EMF of two cells. I hope you understood that. मैं डायग्राम बनाता हूँ फटाफट और हम आगे निकलते हैं। Are you getting my point? ये सब आपको समझाने के लिए किया। आप अपना NCERT भी पढ़ के रखो, उसमें से कुछ एडिशनल पॉइंट आपको मिलेगा तो भी इसमें ऐड करो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने तो माय बेस्ट लेवल आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, फिर भी आपको इधर उधर कुछ लग रहा है, ये सर ऐड करना चाहिए, सर ये कैसे आता है, यू मे आस्क मी पर्सनली एनी डाउट एनी क्वेरी। तो अभी हम क्या करेंगे, टू कंपेयर जो अपना दिया है ना, केस वन, यही सेम डायग्राम फिर से लिखने आपको, ये भी कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्टली इसको जोड़ देता हूँ। आपको दो टाइम एक्सपेरिमेंट करना है, पहले एक टाइम E1 को जोड़ के, और दूसरे टाइम E2 को जोड़ो। आपको कैसे करना है, आपको जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया है वहां पे आपको ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ऐसे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, इसको बोलो E1, इसको बोलो E2। और यहां पे आपको जो मैंने कीज आपको सिखाया है एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, ओके, यहां पे आप गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे एक्सपेरिमेंट के लिए, और यहां पे आप 2-way की को यूज करोगे। क्या करोगे, 2-way की। ये कुछ एग्जाम में वगैरह आता नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो एक बार आपको E1 देखना है। सो फर्स्ट कनेक्ट E1 इन सर्किट एंड फाइंड L1, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लिंक। L1 कैसे लेना है,
गैल्वेनेटर का इवन यहाँ ये दोनों भी डायग्राम सिंपल है, ये कनेक्ट करना है, ये और ये का मिला के ये दिया है। तो फर्स्ट ई1 कनेक्ट करो, मतलब ये इधर रखो, मतलब ई2 रहेगा उधर लेकिन सर्किट में नहीं रहेगा। तो आप फिर से उसको जो मैंने दिखाया था 1 2 3 4, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करते 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 आपने क्या करना है, जॉकी एक ऐसे पॉइंट को लगाना है जहां पे आपको गैलेंडर जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा, वो आपका बन जाएगा बैलेंसिंग। यहां से मेजर करने का वो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा आपका एलवन, यहां से चालू करने का, और कहीं पे भी आपको गैलेंडर डिफ्लेक्शन जीरो दे रहा है वो आपका बन जाएगा पॉइंट एलवन। ओके समझ गए, ओके। बाद में क्या करना है, देन कनेक्ट E2 इन सर्किट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट E2 इन सर्किट एंड फाइंड L2। तो पहले मैंने क्या किया, E1 को कनेक्ट किया, ये बैलेंस पॉइंट, ये लेंथ L1 देख लिया मैंने, अभी E2 को कनेक्ट किया और L2 देख लिया। देयरफॉर E1 by E2 will be equal to L1 by L2. This will be the comparison of EMF of two cells. Comparison of EMF of two cells. ये हो गया आपका। तो इसके लिए सर्किट कैसे बनेगा, प्रैक्टिकल सर्किट में आपको दिखाता हूं, समझिए। इसको ऐसे ही रखता हूं और प्रैक्टिकली सर्किट कैसे दिखता है, आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर। Practical assembly for circuit of E1 by E2. यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले एक बैटरी लो, ओके। बाद में इधर रियोस्टेट ले लो, नहीं तो ऊपर से भी लिया तो भी चलेगा ऐसे। केवल बोलो की होता है यहाँ पे आपको ए बी सी डी, मैंने बोला था आपको कि थोड़ा नीचे करता हूँ, थोड़ा टोटल कितना बन गया ये 400 सेंटीमीटर, दैट इज 4 मीटर। इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। ए को आपको कहाँ कनेक्ट करना है, ए को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है और बी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो करने के लिए इसको आप ऊपर से ले लो, ये हो जाएगा आपका ठीक से। इसको बी को जोड़ो और इसको ए को जोड़ो, अभी हो गया। यहां से क्या करने का, एक गैल्वेनेटर जोड़ने का जी, इसके बाद में, नहीं तो पहले सेल भी लिया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सेल ले लो, इसको बोलता हूँ E1, इसको बोलता हूँ E2, और यहाँ से आप गैल्वेनेटर जोड़ो, यहाँ से आपका
जॉकी बन जाएगा। तो ये बन गया आपका सर्किट, ये हमें यूज नहीं करना है, इतना ही करना। तो इसको बोलता हूं मैं E डैश, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहां पे E1 कैसे प्रोपोर्शनल है, E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू रो L1, E2 विल बी प्रोपोर्शनल टू रो L2, इक्वल टू से पाई इनटू दैट। तो रो रो तो कांस्टेंट है, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड L2, एंड देन वी विल यूज दिस रिलेशन, वी विल यूज दिस रिलेशन टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ EMF। तो फिर से बता देता हूँ, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट कनेक्ट सेल E1 इन द सर्किट, टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपने नोट डाउन करना है तो वो भी नोट डाउन किया तो भी चलेगा, एक्सप्लेन के लिए आपको यूजफुल होगा। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, फर्स्ट कनेक्ट सेल E1 इन द सर्किट, देन स्टार्टिंग फ्रॉम B टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड चेक द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनेटर। फाइंड द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। फाइंड द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। दैट पॉइंट सपोज इट इज C, so distance between B and C इसको बोलेंगे balancing length। इसको क्या बोलेंगे, balancing length। if you are connecting E1 in the circuit, balancing length will be L1. For E1, balancing length will be L1. अगर आप दूसरी, अब ये होने के बाद इसको हटा के यहां से यहां कनेक्ट करने का, टू वे की होता है, इसको कनेक्ट करने के बाद what will write for E2, your balancing length will be L2। और ये प्रोसीजर आपको तीन तीन चार चार बार करना पड़ेगा फॉर प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकली करने के लिए एक बार करने से होता नहीं, एरर होता है उसमें, एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकता है आपका, पर्सनल रैंडम एरर्स भी हो सकता है, पर्सनल एरर्स भी हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एरर्स, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 2-3-5 टाइम्स एंड द एवरेज विल बी टेकन, एंड देन योर रेशियो विल बी E1 बाय E2 विल बी L1 अपॉन L2। इन दिस वे द पोटेंशियोमीटर असेंबली इज यूज टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ EMF of two cells। तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के लो इसको। क्वेश्चन क्या होता है, why potentiometer is preferred over वोल्टमीटर। मालूम है आपको क्यों होता है, दिखाते हैं, why potentiometer is preferred over voltmeter। ये सब देखने के बाद किसी को एक प्रॉब्लम आए, वो बोला सर अगर मैं एक सिंपल वोल्टमीटर लेके ये दो पॉइंट का वोल्टेज मेजर कर सकता हूं और V is equal to E minus I into small r, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे मालूम है, तो क्यों मैं ये पूरा पोटेंशियोमीटर का असेंबली यूज करता हूं। वैसे भी वोल्टमीटर लेके एक का E1 देख सकता हूं, वोल्टमीटर देख के एक का E2 ले सकता हूं और उसके बाद उसको डिवाइड कर सकता हूं, है ना बेटा। ये L1 अपॉन L2 करने का जरूरत क्या है, एक सेल लिया उसका नो लोड वोल्टेज मतलब EMF हुआ, तो वोल्टमीटर लगाया सेल को, आफ्टर कनेक्टिंग द वोल्टमीटर टू द सेल आई विल गेट द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर ना सर, That will be E1। फिर से दूसरा सेल जोड़ूंगा नो लोड, उसको सेल कनेक्ट करूंगा, दैट विल बी E2। तो वोल्टमीटर ने जो रीडिंग दिया है दो टाइम को, उसका रेशियो ले लूंगा मैं E1 by E2। तो why there is a need, ये सब करने का जरूरत क्या है,
क्या जरूरत है बेटा? देखो, जब आप ये सपोज सेल है, इसका ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हो तो क्या होता है बेटा? सेल से खुद का करंट पास होता है, खुद का करंट पास हो जाएगा ना सेल में से। तो ऐसा बार 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 करते रहोगे तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? हाँ, आई वॉन्ट आंसर। वोल्ट मीटर ड्रॉज द करंट फ्रॉम द सोर्स। वोल्टमीटर क्या करता है? सोर्स से करंट लेता है, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर आप बार 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 वोल्टमीटर लगाते रहोगे तो वो जो आपका आप क्या बोलते हो मसाला बैटरी का है वो खत्म हो जाएगा, और जिस पर्पज के लिए आपने बैटरी यूज करना है वो नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज ऐसा होगा, एक बीज बोया, ओके आई गॉट स्मॉल क्रॉप, तो अभी कितना अंदर गया वो देखने के लिए हर रोज गया, उस क्रॉप को निकाला, निकाल के देखा इसका रूट कहाँ गया, अरे हाँ इतना बड़ा हो गया, फिर को फिर से उसको सॉइल में डाला, दूसरे दिन जाके विल योर क्रॉप कन्वर्टेड इनटू अ ट्री? नॉट एट ऑल। क्यों बेटा? वो रूट जो है वो पानी की तलाश में अंदर जा रहा है, उसको आप बार बार देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उन रूट को हर्ट कर रहे हो, रूट से कुछ ले रहे हो। वैसे ही इन ऑर्डर टू मेजर, एक पॉइंट के लिए ठीक है बैटरी का वोल्टेज मेजर करना है, मेजर क्या ओके हर बार क्या पोटेंशियोमीटर यूज करो नहीं, लेकिन एक्यूरेटली इफ यू हैव टू मेजर द वोल्टेज ऑफ द बैटरी विदाउट टेकिंग एनी करंट फ्रॉम द बैटरी तो वोल्टमीटर आपको यूजफुल नहीं है। तो अभी आपने पोटेंशियोमीटर में क्या है, पोटेंशियोमीटर में मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो सेक्शन है आपने जहाँ पे दिया है, ये देखो इस सेक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको I डैश इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से I आ रहा है, जो अलग दूसरा सोर्स आप यूज कर रहे हो उसका करंट यूज कर रहा है, और ये जो है आपका ये मेजर कर रहे हो। तो वाइल पोटेंशियोमीटर डजेंट ड्रॉ, पोटेंशियोमीटर डजेंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल ऑफ विच ईएमएफ इज टू बी मेजर। हो गया, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या आंसर हो गया है? आंसर क्या बन गया आपका? वोल्टमीटर ड्रॉज द करंट फ्रॉम द बैटरी फ्रॉम द सोर्स, वाइल पोटेंशियोमीटर डजंट ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सोर्स। दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रेफर पोटेंशियोमीटर इंस्टेड ऑफ वोल्टमीटर टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ पर्टिकुलर सेल। अभी आप पूछोगे सर ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? अच्छा क्वेश्चन, अगर आप पूछेंगे तो क्या करना है? सिंपल है, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आपको प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको अननोन ईएमएफ निकालना है, अननोन ईएमएफ निकालना है कैसे निकालोगे? सिंपल है, एक नॉन ईएमएफ वाला ले लो, उसको जोड़ो, इसको एक्स बोलो, तो आप क्या हो जाएगा आपका ई1 अपॉन ई2 will be L1 upon L2, E1 को आप X बोलो, so क्या बनेगा? X will be, ये E2 उधर जाएगा, E2 into L1 upon L2, आपको मिल जाएगा X का value, मतलब आपको मिल जाएगा आपका E1, in this way, the EMF of the source is major, समझ में आया? ये एक हो गया setup, अभी दूसरे को जाते हैं, दूसरा है, internal, ये आपने लिखा होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको क्लियर कर सकते हो लिख के ले सकते। नेक्स्ट इज टू फाइंड
thermal resistance of a cell. तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, प्रूव किया था मैंने, E अपॉन V माइनस वन इंटू आई. तो यहां पे आपका E अपॉन V जो आता है, L1 अपॉन L2 डायरेक्टली आता है, वो डायरेक्टली लेने का जरूरत नहीं है, ये सब चीज आपको नहीं आने वाला. तो आपको फॉर्मूला क्या बनता है, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इनटू R. तो ये कैसे करेंगे, ये करने के लिए सर्किट में थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा. क्या चेंज करना पड़ेगा दिखा, यहां पे आप एक सेल ले लो, ये हो गया E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिखा. बाद में इसको एक और एक रेजिस्टेंस से शंट करो, सब इसको S1, ठीक है, R1. और बाद में इसको गैलोमीटर से, आर गेटिंग माय पॉइंट. तो यहां पर आपको L1 L2 कैसे मिल जाएगा, यहां पे पूरा जो वायर है, पूरा जो वायर वो L बन जाएगा. तो उसका ऊपर वाला पार्ट L1 बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट L2 बन जाएगा. तो एक बार आपने डिफ्लेक्शन ले लिया, एक को बोलो L1, दूसरे को बोलो L2, आपका R आपने दिया है और यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर ने आपने क्या क्या देखा है, दो ही सिंपल फॉर्मूला है. सो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स नंबर वन फॉर्मूला, E1 by A2 is equal to L1 by L2. और सेकंड फॉर्मूला आपका बन जाएगा, R is equal to L1 upon L2 minus 1 into capital R. इसमें ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बन गया अपना एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया है, ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल वन, ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल टू, ये बन गया बैलेंसिंग लेंथ वन, और ये हो गया आपका बैलेंसिंग लेंथ टू. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट the ratio of EMF, also we can calculate internal resistance. अगर आपको unknown source का EMF निकालना है, number 3, EMF of unknown source, तो मैंने क्या बताया आपको, X upon E L1 upon L2, तो X कितना बन जाएगा, L1 upon L2 into E, where X क्या है, unknown EMF, ये क्या है, known EMF, इसको बोलो, चाहिए तो आपको LX बोलो, इसको LE बोलो, LX upon LE, पहले सेल के लिए निकालो, उसको LX बोलो, ये बाद में दूसरा जो known EMF है, उसके लिए LE देखो, ये आपका बन जाएगा. सो इन दिस वे दिस थ्री आर द टेक्निक्स विथ विच वी कैन कैलकुलेट नंबर वन ईएमएफ ऑफ अननोन सोर्स, सेकंड वन द रेशियो ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सोर्सेस, एंड थर्ड वन इज टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल.
after this, I'll be providing you today one sheet. उसमें से कुछ आपको सॉल्व प्रॉब्लम दिया है, क्योंकि कल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगा, लेकिन एक दिन बर्बाद करने से अच्छा है ये सीखने के बाद यू हैव टू गो थ्रू दैट शीट, सो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी रेडी. और मैं कल क्या कर दूंगा, कल एक आपका अलग सा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इसके ऊपर और डिस्टेंस मीटर ब्रिज के ऊपर लगाऊंगा. तो वो क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा बना के एक पैकेज बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ओहम्स लॉ, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, केसीएल, केवीएल, इतने तक हमने किया है. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिमेन्स फॉर योर पोटेंशियोमीटर एंड योर डिस्टेंस मीटर ब्रिज. सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस शीट और प्रायरली बी रेडी बाय सॉल्विंग सम प्रॉब्लम. जो कुछ देने वाला हो उसमें से कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करके दिया है आपको, तो मतलब आज आपका टाइम कम जाएगा, वो देख के आप पता करो कैसे करते हो, ट्राई करो. उसके बाद में थोड़ा एमसीक्यू दिया है आपको, वो एमसीक्यू देख के ट्राई करो, नहीं आया तो मैं कल प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वो लेने ही वाला हूँ. फॉर एनी डाउट यू मे आस्क मी. नाउ आई मस्ट अप्रिशिएट सम स्टूडेंट्स, सुमेध एंड करण, आई टुक द नेम्स लास्ट लेक्चर, सो यस्टरडे दे कॉल्ड मी एंड दे टोल्ड सर ओके वी ऑल आर रेडी, वी आर हैविंग अवर होमवर्क एंड दे हैव शोन द स्नैप्स. सो ऐसे ही जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, लेक्चर में लिया है, व्हाट्सएप पे लिया है, ऐसे ही आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते जाओ, अपना स्नैप्स भेजते जाओ, मेरे को भी अच्छा लगेगा. दैट इज़ फाइन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर स्टडीज. एक दो दिन बचा है अभी, सो अपना स्टडी इंक्रीज करो. आई वॉन्ट यू टू गेट एटलीस्ट 80% एंड अबव, 80% बोल रहा हूँ. जितना कुछ फिजिक्स का मार्क है, जो कुछ आपको मालूम है, उसमें से 80% मार्क आपको मिलना चाहिए. सो दैट इज योर टारगेट. कॉमन टारगेट. वर्क हार्ड, यू विल बी रिवॉर्डेड. रिवॉर्ड मतलब आपको अच्छा एडमिशन मिले, हम कुछ रिवॉर्ड नहीं देने वाले, यू विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ एडमिशन. ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर, दैट्स ऑल. आई विल कॉल अ डे फॉर फिजिक्स. ये आपको जो पीडीएफ दिया है उसका प्रैक्टिस करो. अगेन आई एम टेलिंग, फॉर एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क. थैंक यू.